हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एंड शूट अपेक्स। तो प्लांट बॉडी के अंदर रूट अपेक्स और शूट अपेक्स को के ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को समझने के लिए अपने हिस्टोजन थ्योरी को आज पढ़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में रूट एंड शूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एंड शूट अपेक्स थ्योरी से रिलेटेड अपने एपिकल सेल थ्योरी कल कंप्लीट की थी, और आज इनसे रिलेटेड नेक्स्ट हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिस्टोजन जो थ्योरी है, जो कि रूट एंड शूट अपेक्स से रिलेटेड है, सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था, इसको किसने प्रतिपादित किया था? इट इज प्रपोज बाई हैंस्टीन इन 1868 के अंदर हैंस्टीन साइंटिस्ट ने सबसे पहले हिस्टोजन थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था। हैंस्टीन ने क्या बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें रूट और शूट जो अपेक्स हैं, उनके अंदर जो उनका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो तीन प्रकार की हिस्टोजन लेयर मिलती है, तीन प्रकार की हिस्टोजन लेयर मिलती हैं या मेरिस्टेमेटिक लेयर मिलती हैं। तो ये तीन हिस्टोजन लेयर या मेरिस्टेमेटिक जो लेयर हैं, सबसे पहली जो है वो है डर्मेटोजन। सबसे पहली क्या है? डर्मेटोजन। सेकंड क्या है? पेरिब्लेम। और थर्ड क्या है? प्लीरोम। बच्चों, इन तीनों को हैंस्टीन ने क्या कहा? डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, इन तीनों लेयर को हैंस्टीन ने क्या कहा? तीन हिस्टोजन लेयर या थ्री मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, वो क्या कहलाती है? डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है? पेरिब्लेम। और पेरिब्लेम के जस्ट नीचे, सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की तो और भीतर की ओर जो लेयर है वो क्या कहलाती है? प्लीरोम। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन, तीन हिस्टोजन लेयर मिलती हैं, तीन मेरिस्टेमेटिक लेयर मिलती हैं, नंबर एक डर्मेटोजन, नंबर दो पेरिब्लेम, नंबर तीन प्लीरोम। अब बच्चों, इनके फंक्शन क्या हैं? तीनों ही जो हिस्टोजन लेयर हैं, इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फंक्शन हैं। चलो अपने बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बाहर की ओर लेयर मिलती है, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, इसका क्या कार्य है बच्चों? ये क्या करती है? इट इज फॉर्म एपिडर्मिस। यह किसका निर्माण करती है? एपिडर्मिस। एक प्लांट बॉडी की सेक्शन का अपने कट करते हैं, स्टेम या रूट का अपने जब सेक्शन कट करते हैं, तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को फॉर्म करने वाली जो लेयर है वो कौन सी है? डर्मेटोजन। और एपिडर्मिस आपने नोट किया है, यह क्या है? यूनिलेयर्ड और सिंगल लेयर, यह एक स्तरीय परत होती है, कोशिकाओं की एक स्तरीय परत होती है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। बच्चों, डर्मेटोजन के जस्ट नीचे जो हिस्टोजन लेयर है नंबर दो, वो क्या कहलाती है? पेरिब्लेम। और पेरिब्लेम का यहाँ फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? यह कॉर्टेक्स को बनाती है। इट इज फॉर्म कॉर्टेक्स। यह किसको बनाती है? कॉर्टेक्स को बनाती है। अब कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीन रीजन हैं। कॉर्टेक्स के तीन रीजन हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, तीनों मिलकर कॉर्टेक्स कहलाते हैं। और इस कॉर्टेक्स को फॉर्म करने वाली जो लेयर है वो पेरिब्लेम हिस्टोजन लेयर है, जो कि सेकेंड नंबर पर है। इसी प्रकार जो थर्ड नंबर पर है, जस्ट पेरिब्लेम के नीचे, या यूं बोलें कि इनर मोस्ट लेयर, आल्सो कॉल्ड इज प्लीरोम, इसको बोलते हैं प्लीरोम, या रमजन भी इसको बोलते हैं। तो प्लीरोम का कार्य क्या है? यह क्या बनाती है? स्टील को बनाती है। किसको बनाती है? रम्ब। स्टील को क्या बोलते हैं? रम्ब। बच्चों, प्लीरोम का क्या मेन फंक्शन है? यह स्टील को बनाती है, स्टील को रम्ब बोलते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्टील के अंदर कौन कौन सी टिश्यू है, स्टील के अंदर कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं। बच्चों, स्टील के अंदर पेरिसाइकिल,
पेरीसाइकिल से स्टार्ट होता है, पेरीसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल। अगर अपने सेक्शन कटिंग सेक्शन के अंदर अपने देखिए तो पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे जो लेयर, जो नीचे जो टिश्यू है वो वेस्कुलर बंडल। जब वेस्कुलर शब्द आ जाए तो इसका मतलब है जाइलम एंड फ्लोयम। जाइलम एंड फ्लोयम को ही वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, संवहन ऊतक, ठीक है। और इसके साथ पित्त को भी बनाती है जिसको मज्जा बोलते हैं, और मेडुलरी रीज जो मज्जा रश्मियां हैं इनको भी प्लीरोम से ही बनता है। बच्चों यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना कि जो एंडोडर्मिस है ये स्टील का भाग नहीं है, जो एंडोडर्मिस है ये स्टील का भाग नहीं है। एंडोडर्मिस किसका भाग है? कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ठीक है। कॉर्टेक्स की सबसे आखिरी लेयर है। और स्टील कहाँ से स्टार्ट होता है? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी, ये सारा पोर्शन किस में आता है? स्टील। और स्टील को बनाने वाला जो हिस्ट्रोजन लेयर है वो प्लीरोम कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हैंस्टीन ने क्या कहा कि प्लांट बॉडी के अंदर उसका रूट और सूट अपेक्स है, अगर उसके संगठन को देखा जाए तो तीन परतों से मिलकर बना होता है, और ये तीनों ही परतें, तीनों ही लेयर क्या कहलाती है? हिस्टोजन लेयर कहलाती है। नंबर एक पे डर्मेटोजन, नंबर दो पे पेरिब्लेम, नंबर तीन पर प्लीरियम, और इनके अलग अलग कार्य हैं। अब कुछ मैं आपको नोट एक्स्ट्रा से नोट लिखवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप इसमें नोट कीजिए बच्चों, मोनोकोट्स जो हैं, एक एक बीजपत्री जिनको बोलते हैं, मोनोकोट्स में इन तीन लेयर के अलावा, तीन हिस्ट्रोजन लेयर के अलावा एक और चौथा हिस्ट्रोजन लेयर भी मिलती है। ये देखो मोनोकोट्स के अंदर तीन हिस्ट्रोजन लेयर के अलावा एक चौथी भी हिस्ट्रोजन लेयर मिलती है, और इसका क्या नाम है? कैलीपट्रोजन। इसका क्या नाम है? कैलीपट्रोजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं गोपकजन। ये आप नोट कर लेना। अब कैलीपट्रोजन जब चौथी लेयर कैलीपट्रोजन के रूप में मिलती है तो इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? यह क्या करती है? रूट केप को बनाती है। ये बात नोट कर लेना, कैलीपट्रोजन का यहाँ मेन फंक्शन क्या है? फॉर्म रूट कैप, फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। बच्चों ये जो थ्योरी है, जो हिस्ट्रोजन थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर लागू नहीं होती। बच्चों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो सूट पैक्स है, जो प्रो है, सूट अपेक्स है, उसके ऊपर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का अगर सूट अपेक्स देखें तो तीनों ये जो लेयर हैं, ये तीनों लेयर हैं, ये विभेदित नहीं होती, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो इसलिए हिस्ट्रोजन जो थ्योरी है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की सूट अपेक्स को समझाने में असमर्थ है। तो यहाँ थ्योरी ये फेल हो जाती है। ये केवल किसके लिए लागू होती है, किस पर लागू होती है? ओनली रूट अपेक्स। किस पे लागू होती है? ओनली रूट अपेक्स। रूट अपेक्स में क्या होता है? तीनों ही जो लेयर है, जो कि हिस्ट्रोजन लेयर कहलाती है, तीनों ही डिफ्रेंशिएट होती है, अलग अलग विभेदित होती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट के बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा है। डाइकोट्स में जो रूट कैप है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? डर्मेटोजन से होती है। ऊपर देखो मोनोकोट में मैंने क्या बताया, मोनोकोट्स के अंदर जो रूट कैप है, रूट कैप को बनाने वाली स्ट्रक्चर कौन है? कैलीपट्रोजन। लेकिन डाइकोट के अंदर जो रूट कैप है उसको बनाने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? डर्मेटोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग है, इसलिए मैंने एक साथ यहां लिख दिया कि डाइकोट में रूट कैप को बनाने वाली स्ट्रक्चर डर्मेटोजन, और मोनोकोट में रूट कैप को बनाने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कैलीपट्रोजन। ये दोनों ही अलग अलग हैं, और ये थ्योरी अपने एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है।